ले हैं जी, तो अभी काटने चला गया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। ब्लॉग शुरू करने से पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सारा वीडियो को लाइक कर दें। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आज जी माशाल्लाह जी सुबह सुबह जी धूप वगैरह निकल गई है जी, तकरीबन जी 6:30 बज चुके हैं जी। और मैं नमाज फजर अदा करके जी बाहर जगह सैर करने जी भीमागढ़ पहुँचा हूँ जी। तो पहले जी थोड़ी थोड़ी धूप थी, लेकिन जी अब धूप जी लगना स्टार्ट हो गया। तो आज रमज़ान मुबारक जी 12वां रोज़ा जी। अल्लाह ताला हम सबको जी रमज़ान मुबारक के सारे रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ताला जी जो फ़िलिस्तीन पर ज़ुल्म सितम हो रहा जी उस पर हम करम फरमाए जी, और इसराइल को जी निस्तो नबूद फरमाए। तो अभी जी जा रहा हूँ मैं नीचे जी, हमारी बहन जिसने एक दो दिन बेबी वगैरह दे देना उसके ऊपर जी गोबर का थोड़ा जम गया जी। तो अभी जाकर जिसको नहलाते हैं जी और ला कर जी हवेली में बांधते हैं जी। तो अभी चलते हैं जी पैसे नीचे, कपड़े वगैरह चेंज करते हैं जी और फिर जाएंगे जी हवेली में भैंस को नहलाने जी। तो अभी चलते हैं जी नीचे, अभी कपड़े वगैरह मैं चेंज करके पहुंच चुका हूँ अपनी हवेली में। ये रहे जी हमारी भैंस, आप देख सकते हो जी, रात को मैंने नहला दिया था तो गोबर वगैरह थोड़ा जम गया जी। तो अभी जी टप वगैरह पानी के भरते हैं जी और भैंस को नहलाते हैं जी। तो अभी जी पहले टप वगैरह भरते हैं पानी का जी, टप वगैरह जी पानी का मैंने बनना स्टार्ट कर दिया जी। और ये रहा जी मेरा कैमरा मैन जी, तो कोई कैमरा पकड़ने वाला नहीं था जी, तो इसको मैंने आवाज दे दिया जी और मेरे पास आगा जी अभी कैमरा पकड़ेगा जी और मैं भैंस में नहला दूंगा टप लगा जी। तो अभी जी उधर भैंस जी और इधर नहलाते हैं उसको जी, मैंने खोल दिया जी, अभी जी नहलाते हैं उसको। मैंने पूछा मेरा लगा के जी दोबारा जी चुके पानी जरा टैंकना स्टार्ट कर दिया जी। आप देखना जी सारा गोबर वगैरह जी उतर गया जी, तो सामने ला के आपने खिजर आया गोबर वगैरह उतर गया। आप देख रहे जी ये फुली साफ हो गई माशाल्लाह। भैंस वगैरह मैंने जी 3-4 मिनट में नहला ली, आप देख सकते हैं माशाल्लाह जी। ये रही हमारी भैंस जी और रही जी कटी जी। तो अभी जी इनको लेकर चलते हैं जी हवेली की तरफ जी, उधर जाके जी बांधते हैं। तो अभी निकलते हैं हवेली की तरफ जी। हवेली से मैंने जी भैंस ला कर जी इधर बांध दिया, आप देख सकते हैं जी कपड़ा वगैरह मार कर जी मैंने खुश कर दिया इसको जी। तो अभी वो रहा तेल जी इसके जी, जिस तरह तेल वगैरह जी लगाते हैं जी। अभी जी भैंस को जी मैंने फुली सेट मेट कर दिया, आप देख सकते हैं माशाल्लाह तेल वगैरह भी इसको लगा दिया गया। तो अभी जी दुकान से जी लाते मिर्चें और अदरक वगैरह लगे रहते हैं जी और इनको मसाला बना के देते हैं जी। अभी चलते हैं दुकान पर जी, दुकान में पहुंच चुका हूं जी और ही सामने सब्जी दुकान पर लेते हैं जी मिर्चें। अदरक जी 150 नहीं कर दें मिर्चें अदरक मेरा जी रेडी होगा जी, अभी देते हैं जी और चलते हैं घर की तरफ जी। इसमें मैंने प्याज और अदरक वगैरह काट दिया जी, ये जी मिर्चें और वो रहा जी मिक्स मसाला जी। तो अभी जी इनको मसाला मिक्स वगैरह करते हैं तीनों को जी और फिर जी भैंस को जाकर मसाला वगैरह देते हैं जी। तो ये सामान मैंने ले लिया जी, अभी इनको जी मिक्स वगैरह करते हैं। तो इधर मसाला मैंने जी फुली बारीक कर दिया और ये रहा जी मिक्स मसाला जी। अभी जी इनको तीनों को जी मिक्स वगैरह करते हैं जी, आप देख सकते हैं मिर्चें अदरक वगैरह जी इनको हल करते हैं जी और जी भैंस के लिए माशाल्लाह मसाला वगैरह तैयार करते हैं जी। मसाला वगैरह हमारा फुली रेडी हो चुका जी, आप देख सकते हैं ये रहा जी मसाला। उधर जी तैयार जान भी जी अपनी भैंस के लिए मसाला वगैरह दे रहे हैं जी।
ਯਾ ਮੈਂ ਫੜਾ निकलना स्टार्ट हो गया जी, क्योंकि जी मर्चें जी और मसाला जी बहुत ज़्यादा कौड़ा था जी, इसलिए जी इनका जी हाजमा वगैरह भी सेट वगैरह हो जाएगा। तो अभी जी मुंह से जाग वगैरह निकलना स्टार्ट हो गया इनके जी। भैन सुखो जी, मसाला वगैरह मैं देख जी आ गई अपने खेतों में, तकरीबन जी 8 बज चुके हैं जी, और आप देख सकते हैं माशाल्लाह जी आज धूप जी अच्छी खासी निकल आई है। तो आज जी गर्मी ज़्यादा हो जाएगी जी, तो इसलिए जी मैं चारा वगैरह लेने जी आ गया हूँ जी अब खेतों में। ये रहा दातर जी और ये रही जी दो बलियाँ। तो अभी जी चारा वगैरह काटते हैं जी और लेकर चलते हैं जी घर की तरफ। अभी जी मैंने 5-10 मिनट में जी काफ़ी ज़्यादा चारा काट दिया जी, आप देख सकते हैं माशाल्लाह जी 3-4 डेढ़ी लगा दी हैं। तो अभी जी इनको चादर में डालते हैं जी, दोस्त जी डेढ़ी भी बहुत सबका लेने गया जी, जब डेढ़ी भी गाड़ी लेकर आएगा जी उसकी डेढ़ी पर जी हम भी चारा वगैरह रख के जी घर ले जाएंगे। अभी चारा वगैरह डालते हैं चादर में जी। अभी जी चारा वगैरह में जी चारा वगैरह जी मैंने थोड़ी सी मशक्कत के बाद जी चादर में डाल दी, एक चादर है जी दूसरी ये जी वो रही सामने रेडी जी। तो अभी जी भाई साहब आते हैं जी और पट्ठे चारा वगैरह जी बांधते हैं जी और लेकर जाते जी घर करो। अभी जी चारा वगैरह जी मैं रेडी पे रख लिया जी, ये रही जी रेडी, चल आया नुए तोड़। तो अभी जी चारा वगैरह रेडी पे जी घर लेकर जाते हैं जी। तो चारा वगैरह लेकर मैं घर पहुँच गया था। तो अभी वक्त होगा जी नमाज़े ज़ोहर का, तो अभी निकलते हैं मस्जिद की तरफ और करते जाकर नमाज़े ज़ोहर का। आप देख सकते हैं जी धूप जी काफ़ी अच्छी खासी निकल आई है आज। तो अभी निकलते हैं मस्जिद की तरफ और करते हैं जाकर नमाज़े ज़ोहर का माशाल्लाह। नमाज़े ज़ोहर अदा करके मैं सो गया था, अभी उठाऊँ तकरीबन 5 बज चुके हैं जी और मैंने नमाज़े ज़ोहर अदा कर लिया। तो आप देख सकते हैं जी सूरज माशाल्लाह आज भी अच्छा खासा निकल आया और जी हर तरफ जी हरियाली हो गई आप देख सकते हैं माशाल्लाह जी। तो आज का व्लॉग जी इधर ही करते हैं ख़त्म। आपने मुझे कमेंट में बताना कि मेरा आपका व्लॉग कैसा लगा, अगर व्लॉग अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ वीडियो को लाइक कर दें, और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप मुझे। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, ओके अल्लाह हाफिज़ जी।